न 50-50, न शिवसेना, न कांग्रेस, न एनसीपी, एक बार फिर महाराष्ट्र में भाजपा सरकार। कल शाम तक तो लग रहा था कि बस शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार बनाने ही वाली है और इस बार कोई शिवसैनिक ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होगा। मगर ये देखिए ना क्या हो गया, रातों रात खेल बदल गया। कल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की मुंबई नेहरू सेंटर में बैठक के बाद शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि तीनों दलों के बीच बात अब साफ हो गई है और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए चुन लिया गया है। एक तरफ तो शरद पवार सारी मीटिंग निपटाकर घर पहुंचे, तो उधर अजीत पवार बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए घर से निकल लिए। महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार का खाका तकरीबन तय हो चुका था। इस बीच शिवसेना लगातार बीजेपी पर निशाना भी साध रही थी। कल तो शिवसेना नेता संजय राउत ने ट्वीट कर लिखा था कि जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है, और सच में बीजेपी ने महाराष्ट्र में इतिहास रच दिया। महाराष्ट्र सरकार की रेस में बीजेपी दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, मगर रातों रात बीजेपी ने महाराष्ट्र का खेल ही पलट दिया। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी सरकार बनाने की प्लानिंग करते रहे और देवेंद्र फडणवीस ने सुबह सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और इस सरकार में उप मुख्यमंत्री बने शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। इन सब पर शरद पवार का कहना है कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, अजीत ने कुछ भी किया है कहा है वो अपने मन से कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब विधानसभा में बहुमत साबित करने की बात आएगी तो अजीत ऐसा नहीं कर पाएंगे, सभी नेताओं का समर्थन हमारे साथ है। बहरहाल अब तो फडणवीस मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब इंतजार है तो बस उस दिन का जब विधानसभा में बीजेपी एनसीपी बहुमत के आंकड़े दिखाएगी। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज़ 1 इंडिया।